हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष सूद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आप लोगों का होली कैसा बीता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस, अभी जो आपने प्रीमियम वीडियो देखा तो इसका एडिटिंग मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ खास एडिटिंग कर रहा था जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया और एडिटिंग मैं कर नहीं पाया। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं जल्दी में ये एडिटिंग किया हूँ। तो देख कर बताइएगा जरूर कि कैसा है। और इसका प्रीसेट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक तो मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोनों प्रीसेट का आपको इंपोर्ट कर लेना है एलाइट मोशन के अंदर, फिर आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नहीं, आप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, ये जो सॉन्ग प्रीसेट वाला ऑसम एमएस टेक लिखा हुआ है, ये आपको वेबसाइट पे मिलेगा। और ऊपर मुझे ये टू लिखा हुआ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली टू वाले को ओपन कर लीजिएगा और ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। तो 21 लेयर यहाँ पे सेलेक्ट होगा, देन फिर से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से कॉपी 21 लेयर कर लीजिएगा, देन यहाँ से बैक आ जाएगा। सो गाइस, बैक आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सॉन्ग प्रीसेट वाला ऑसम ट्रेंडिंग वाला जो ऑसम एमएस वाला जो मिला है आपको, तो इसे ओपन कीजिएगा जो वेबसाइट से आप लेकर आए हैं, और ये वाले ऑप्शन टैप करके यहाँ पर पेस्ट 21 लेयर कर दीजिएगा। यह लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे जो कैमरा के आइकन है इसे सेलेक्ट करके इसे यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल करने के बाद स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम देने के बाद गाइस, आप जो भी अपना फोटो जहाँ पे रखे होंगे, जो फोटो यहाँ पे एडिटिंग के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, उस फोटो को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने फोटो रूम में फोटो रखा है, जो भी फोटो मेरे पास है फोटो रूम में मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं। देन आने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को ले लेना है। तो पहले से तो यहाँ पे ये होली वाला फोटो ऐड होगा जो मैंने पहले ही एडिटिंग किया था, बट अभी हम दूसरा फोटो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कपल फोटो आप ले सकते हैं, राधा कृष्ण का फोटो ले सकते हैं, या कोई मॉडल कपल इमेज ले सकते हैं, या सिंगल कपल इमेज भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फोटो हैं, इसमें से तब तक के लिए कुछ फोटो को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट फोटो मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे प्लस कर लेंगे। करने के बाद आपको क्या है ना, ये वाली एडो पे दो बार टैप करें, आप यहाँ तक आ जाएंगे, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका फोटो जो यहाँ आ जाएगा। अभी थोड़ा इस साइड में आ जाइएगा, आने के बाद नीचे तब स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो मॉडल इमेज है, जो राधा कृष्ण का इमेज जैसे सेलेक्ट करके ये वाली ऑप्शन टैप कीजिए, यहाँ पे कॉपी लेट कर लीजिएगा, देन यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिएगा। अब ऊपर की तरफ आ जाइएगा, आने के बाद जो मॉडल इमेज अभी ऐड किए उसे सेलेक्ट कीजिए, फिर से ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। पेस्ट स्टाइल के लास्ट में एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, देन इसे यहाँ से कलर को डिसेबल कर दीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे फोटो ऐड हो गया। अब यहाँ पे मूव इट ट्रांसफॉर्म में आइएगा, इस फोटो को इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, मूव करके ऊपर लाइएगा, फिर जूम वगैरह करके एडजस्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे कैसे रखना चाहते हैं इस फोटो को, तो इस तरह से आप रख लीजिएगा। अभी आप स्टार्टिंग में अगर इसे जो प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट इमेज लेना है, तो नेक्स्ट इमेज इसी बीट के पास आ जाइएगा, प्लस के में क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। देन मीडियम देने के बाद आपको क्या है ना, दूसरा फोटो ले लेना है, जो भी फोटो यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था काफ़ी सारे फोटो हैं मेरे पास, तो इसमें से मैं तब तक के लिए दूसरा कोई एक इमेज ले लेता हूँ। तो चलिए, जैसे मैं ये वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर फुल बॉडी को इमेज लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, फिर ये वाले एरो पे दो बार टाइप करेंगे, लास्ट में जो बीट लगा है उस पर आ जाएंगे, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो फोटो हमारे यहाँ तक आ गया। आप थोड़ा सा इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, इसके बाद नीचे आ जाइएगा, और जो मॉडल यहाँ पे पहले से ऐड है नीचे में, ये देख सकते, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कॉपी लेट कर लीजिएगा, देन इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। फिर ऊपर की तरफ आइए, जो फोटो अभी ऐड किए उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाली एरो को क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेस्ट स्टाइल वाले एरो पे क्लिक कर देना है, इसे कलर को डिसेबल करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। फोटो ऐड हो गया, मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, इसे नीचे की तरफ लेकर आइएगा, और जूम वगैरह जो करना हो तो उसे करके एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते, ये फोटो भी आपका ऐड हो गया, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इमेज आएगा, तो उसके लिए बीट पे आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा वाला फोटो ले लेना है, जो भी फोटो आप लेना चाहते हैं इजली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी स्मूथली आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तब तक के लिए इसे ले लेता हूँ। लेने के बाद नेक्स्ट वाले पर चल जाएंगे, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मेरा फोटो यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, इस साइड में आ जाना है, आने के बाद स्क्रीन पर टैप करना है, और नीचे की तरफ आपको आ जाना है, नीचे पूरी तरह से नीचे आ जाइएगा, और यहाँ पर जो पहले से मॉडल ऐड है इसे सेलेक्ट करके ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कॉपी लेट कर लेना है, देन इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ऊपर की तरफ आ जाएगी, जो फोटो भी ऐड की थी उसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद पेस्ट स्टाइल वाले एरो पे क्लिक करके और कलर को डिसेबल करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन इसे मूव करके जूम करके एडजस्ट कर लेना है कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं और कैसे रखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसी तरह से सभी को कर लेने, आगे आपको 2 से 3 फोटो और मिलेंगे, तो इस सबको कर लीजिएगा। देन करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो में जाइएगा, जो भी ऑडियो जो ट्रेंड कर रहा हो उस पर आप यहाँ पे स्टेटस बना सकते हैं, या रील्स पे यहाँ पे विदाउट सॉन्ग भी आप ऐड कर लीजिए, मतलब एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद रील्स पे जाकर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक सॉन्ग तब तक के लिए ले लेता हूँ, फिर लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे एक ऐड कर देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ तक है, ठीक है, 24 सेकंड का है। तो 24 सेकंड पे आएंगे, सॉन्ग जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट एंड हो रहा है और स्टेटस बनकर तैयार हो गया, प्ले करने पे कुछ इस तरह से आएगा। सो ठीक है जी, यहाँ पे होली का सॉन्ग ही लग गया, तो कोई परेशानी नहीं, आप जो भी सॉन्ग लगाना चाहे लगा लीजिए, स्टेटस हमारी काफ़ी कमाल की बनेगी। तो हो गया जी, जब वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए तो ऊपर जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन टैप कर देना, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।